स्टार्ट अध्यक्ष महोदय राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण पर जो धन्यवाद का प्रस्ताव इस सदन के सामने अभी पेश किया गया है मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। मैं इस चर्चा में भाग लेते हुए अपने कुछ विचार प्रकट करना चाहता हूँ। विरोधी दल के कुछ सदस्यों ने इस पर विरोध प्रकट किया है। यह सही है कि देश की आज की स्थिति को देखते हुए उन्होंने विरोध प्रकट किया है। सदन में जनता के चुने हुए प्रतिनिधि को अपनी बात प्रस्तुत करने का पूरा हक है। उन्हें अपनी बात अच्छे ढंग से सदन में प्रस्तुत करनी चाहिए थी। पैराग्राफ चेंज। आज हमारे देश में तीन बड़ी समस्याएं हैं। एक तो सबसे बड़ा सवाल हमारे सामने खाने की वस्तुओं का है। तीसरा, पंचवर्षीय योजना के अंत में हमने कल्पना की थी कि हम अपने सारे साधनों को जुटाकर अपने लक्ष्य के अनुसार खाद्यान्न उत्पन्न करेंगे। हमारा इस प्रकार का दृष्टिकोण है और जब मैं इस दृष्टिकोण और खाद्य सामग्री की बात करता हूँ तो मैं इस बात को नहीं भूल पाता हूँ कि जहाँ तक हमारे भौतिक साधनों का संबंध है उन्हें हम जुटा सकते हैं, योजना बना सकते हैं, लेकिन यदि कभी प्रकृति हमसे नाराज हो जाए तो उस समय हमारी सारी योजनाओं पर संकट आना स्वाभाविक है। हम चाहते थे कि बाहर से अनाज ना मंगाएं। बाहर से अनाज मंगवाने से हमारे आत्मसम्मान को बड़ी ठेस पहुंचती है और यह आत्मसम्मान किसी राष्ट्र के जीवन में सबसे अधिक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। आज की स्थिति में ऐसी कोई बात नहीं है जो हम जनता से छिपाना चाहते हैं या सदन से छिपाना चाहते हैं। हमने अपने सारे उत्पादन और गन्ने के समस्त भंडार को स्पष्ट बताया है। हमने चेतावनी दी है कि हमारे पास अनाज नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय स्थिति भी आप देख रहे हैं। सबसे पहला प्रश्न जीवन का आता है और उसके लिए जहां से भी अनाज प्राप्त हुआ हमने लिया। इस समय भी हम वार्ता करके आप सब का सहयोग लेना चाहते हैं। हम स्वावलंबी होना चाहते हैं, उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन जब प्रकृति की नाराजगी का हम पर असर पड़ता है तब हमारी चिंता बढ़ जाती है। इस सब के बावजूद हम जनता को आश्वासन देना चाहते हैं कि हमारी सरकार किसी भी प्रकार की स्थिति का मुकाबला करने में समर्थ है और इस कठिन स्थिति में भी वह जल्दी ही छुटकारा पा लेगी। पैराग्राफ चेंज। आजकल एक अशांति का वातावरण पैदा करने का प्रयत्न किया जा रहा है। विद्यार्थियों को भड़काया जा रहा है। अन्य देशों का उदाहरण देकर इस देश में क्रांति की बात की जा रही है। अन्य देशों में क्या हुआ इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। विद्यार्थी समाज के सामने आज दो प्रश्न हैं और हम चाहते हैं कि उनका समाधान वे स्वयं करें। इस अध्ययन का और दूसरा आंदोलन का यह निर्णय उन्हें स्वयं करना है कि ये अध्ययन करना चाहते हैं या आंदोलन। फुल स्टॉप।